सुपेला थाना क्षेत्र में 7 साल पहले हुए बड़ी चोरी के मामले का खुलासा रविवार को दुर्ग जिले की पुलिस ने पत्रकार वार्ता में किया। वार्ड 5 चिंगरीपारा सुपेला निवासी शिवलखन चौधरी ने 7 साल पहले 2015 में मकान की तिजोरी में रखे सोने के जेवरात चोरी होने की रिपोर्ट सुपेला थाने में दर्ज कराई थी। चोरी की यह वारदात तब हुई थी जब प्रार्थी का परिवार चिंगरीपारा से 5 रास्ता में बने अपने नए मकान में शिफ्ट हो रहा था। इस दौरान चोरी गए चांदी के जेवरात अचानक घर के बरामदे में पड़े मिले, लेकिन 20 तोला सोने के जेवरात नहीं मिले। इस दौरान परिवार जनों के बीच आपसी संदेह का दौर भी चला, मगर चोरी गए जेवरात के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। सुपेला पुलिस ने गांव से लौटे प्रार्थी के भांजे भूपेंद्र को पकड़कर पूछताछ कर प्रार्थी के पुत्र की संलिप्तता की बात सामने आने पर दोनों को गिरफ्तार कर 7 साल पुराने चोरी के मामले का खुलासा किया है। मामले की जानकारी एसपी संजय ध्रुव ने इस प्रकार से दी है। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, दुर्ग पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें 7 साल पूर्व एक बड़ा चोरी है सोने चांदी का, उसका पर्दाफाश हम लोगों ने किया है। इसमें सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2015 में एक चोरी हुई थी और उसी पर से हम लोगों ने दो आरोपी और कुछ मामले के जो जेवरात है उनकी रिकवरी की है। एक बहुत बड़ी सफलता है, अभी इनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। क्या अंदेशा लगाया जा सकता है कि और भी इनकी चोरी होगी जो समय रहते सामने आएगी? इस मामले को लेकर हम आगे भी इन्वेस्टिगेट आगे बढ़ाएंगे। इसमें वो कंपनी जिन्होंने इस चोरी के मामले के जो जेवर हैं उनको अपने यहाँ गिरवी रखा था उनको भी इसमें शामिल करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, और देखेंगे कि और कोई चीज़ें इसमें आ सकती हैं क्या।